मैं चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक अनदर हिना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक। लुक देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा लुक करने वाली हूँ, आपने इमेजेस भी देख ही ली होंगी आगे वीडियो में। सो चलते हैं वीडियो में कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपके संग एक हिना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट लुक है हिना खान इंस्पायर्ड, इसी के बाद मैं आपके संग 4 to 5 और शेयर करूँगी। सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, आपको ये लुक पसंद आता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगी। तो देख लेते हैं कि इस लुक का मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लिप बाम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, और फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने लिया है निव्या का ये सॉफ्ट क्रीम जो कि थिक फॉर्मूले का है, तो बहुत अच्छे से फेस मॉइस्चराइज हो जाता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फरसाली का फेस सिरम ताकि मेरा फेस अच्छे से हाइड्रेट दिखे और डल ना दिखे ज़्यादा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मालियों का गोल्ड कैरेट का प्राइमर जो कि गोल्ड पार्टिकल है, इसमें बहुत अच्छे से आपके फेस में सॉफ्टनेस ला देता है और आपके ओपन पोर्स को ब्लर आउट कर देता है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर इन दी शेड 303, ये है मालियों का। इसे फिंगर की हेल्प से मैं ऑल ओवर फेस पे जहाँ जहाँ जो स्पॉट्स हैं वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है कलर एसेंस का फाउंडेशन इन दी शेड बेज, ये एक्वा फाउंडेशन है। पहले फिंगर की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ और ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया था इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा था, बट मैंने इसे हुडा ब्यूटी के ब्लेंडर को वेट करके अच्छे से इक्वल कर लिया था, आप देखेंगे यू कैन सी। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA की कंटूर कंसीलर स्टिक और इसका शेड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग शेड पिक कर सकते हैं जो आपके ऊपर जाता है। तो इसे मैं ऑल ओवर फेस पे लगा लूँगी जहाँ भी मैं कंसीलिंग करती हूँ और अगेन ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट अपने फेस को सेट करने के लिए, जहाँ भी डार्कनेस लाइटनेस है वो इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट अपने फेस को ब्रॉन्जअप करने के लिए मैंने ये मिस रोज़ का ब्रॉन्जअप ब्रश और पैलेट लिया है हिंदी शेड 05 और लाइट डार्क दोनों शेड को मिक्स करके अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्जअप करूँगी। डार्क शेड इसलिए मैंने लिया है ताकि फेस अच्छे से शार्प दिखे, शार्प एजेस दिखे, बिकॉज कि हिना खान का जो फेस है उसकी कट्स काफ़ी डिफरेंट है और मेरा फेस थोड़ा हेल्दी है, तो डिफरेंस आएगा फेस मेकअप लुक में, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जहाँ तक उनके तरीके से ही मेकअप कर पाऊँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ रेड एंड वाइट का ये आईब्रो किट और दोनों शेड्स को मिक्स करके एंगल ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ, थोड़ा सा मोटा फिल इन करूँगी मैं। नेक्स्ट मैं ये SFR का पैलेट ले रही हूँ और एक जेल लाइनर वाला जो ब्रश आता है उसकी हेल्प से लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ये आई शेडो से। तो इसमें उन्होंने पर्पल कलर का लाइनर टाइप का लगाया हुआ है, बहुत ही बोल्ड ऑफ़ द हाफ क्रीज, मतलब ऑल ओवर हाफ क्रीज पे उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये शेड इतना नहीं जा रहा था, हल्का सा पिंक टिंट वाला था, तो मैंने पर्पल कलर का शेड लिया है इसी वाले पैलेट से और दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया है तो मुझे सही कलर मिल गया था। नेक्स्ट उन्होंने थोड़ा सा आई थिंक लाइनर लगाया है, तो मैं यहाँ पे लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ बहुत ही पतला सा लाइनर लगाऊंगी अपनी आईज़ को थोड़ा सा शेप देने के लिए। आप चाहे तो अपर वाटर लाइन में काजल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइनर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो। सो मैं बहुत ही पतला सा लाइनर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेको की काजल अपनी वाटर हाफ लाइन में, आउटर वाटर लाइन में ही यूज़ करूँगी, पूरी वाटर लाइन में यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं। नेक्स्ट मस्करे के लिए मैंने लिया है मेबलिन का हाइपर कर्लिंग मस्करा अपने आईलैशेस को कर्ल करने के लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का ये ब्लशर इन दी शेड कोरल और काफ़ी अच्छा ब्लश है, बहुत ही लाइट हैंड से मैं अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का हाइलाइटर और एक फैन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर फेस पे, ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट हैंड से। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की सफायर लिपस्टिक इन दी शेड चेरी हग्स और इसे अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ी सी ग्लॉसी है अभी है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए ADS का मेकअप सेटिंग स्प्रे, लिपस्टिक मैट हो गई है इसलिए मैंने लैक्मे का लिप बाम यूज़ किया है। फाइनल लुक यू कैन सी कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ है। मेकअप की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ है, हेयर स्टाइल और ड्रेस जो है वो सेम नहीं है, काफ़ी हद तक चेंज है जो कि सेम पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं हेयर स्टाइल की बात करूँ तो मिडिल पार्ट मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सो उस वजह से मैंने थोड़ा सा इसे साइड से लिया है। आप चाहें तो कोई भी हेयर स्टाइल रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ही करो, आपको केवल एक लुक नॉलेज की, अगर आप इस तरीके का लुक आपको पसंद है तो आप क्रिएट कर सकते हो अपने आई शेडो पैलेट के साथ, कलरफुल लाइनर्स क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।